ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस स्टॉक के साथ चिपके रहो, बंगला गाड़ी सब कुछ देखा। चलिए देखते हैं कौन सा है बंगला गाड़ी वाला स्टॉक है और क्या इसके फंडामेंटल है, क्या इसके टेक्निकल लेवल है। चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो रोज हर दिन लाते रहते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एक्सेलेंट क्वालिटी का ये स्टॉक है। एक्सेलेंट क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। आप इसके सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 10%, आप इसकी EBIT ग्रोथ देख लीजिए 16%, आप इसके नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए नेगेटिव नेट डेट, आप इसके प्लेज शेयर देख लीजिए जीरो, कितना जीरो, कंपनी ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है। जो भी प्राइस 1120 के ऊपर होगी ये इसको वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे डालेगा। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 62 है, जो कि इंडस्ट्री के पी से थोड़ी ज्यादा है। आप इसकी डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 0.52% है। आप इसके ROCE देख लीजिए 42 है, जो कि एक बढ़िया ROCE है। आप इसकी ROE देख लीजिए 22 है, एक बढ़िया ROE है। अब हम इसके रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। पिछले 10 साल में एक बेहतरीन रिटर्न दिया है 2350 का, पिछले 5 साल में एक बढ़िया रिटर्न दिया है 271% का, पिछले 3 साल में 90% का रिटर्न दिया है, पिछले 2 साल में लगभग 51% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में फ्लैट रहा है 5% का रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 1 महीने का रिटर्न नेगेटिव है, 10% नेगेटिव है। आज भी ये स्टॉक डाउन था, आज भी इसने नेगेटिव रिटर्न दिए। अब हम इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। नेट सेल्स जो कि 11% की डाउनसाइड दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट देख लीजिए आप जो जिसमें 7% की अपसाइड दिखा रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें हालांकि थोड़ी सी डाउनसाइड आई है 1.21% की। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि ईयर टू ईयर रिजल्ट होता है। आप इसके नेट सेल्स देख लीजिए 13% की एक बेहतरीन जंप। आप इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए 3.89% की डाउनसाइड है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए 2.24% की डाउनसाइड, जो भी एक बुरी बात है। आप इसके क्वार्टर रिजल्ट में देखिए, ईयर टू ईयर रिजल्ट में देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे एक हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर के पास 69.75% की एक बेहतरीन होल्डिंग है। FIIs के पास 11% की एक बेहतरीन होल्डिंग है, जिसने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। आप उसके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लीजिए 4.58% की बेहतरीन होल्डिंग है। अब जानते हैं कौन सी है कंपनी। अब तक हम बात कर रहे थे पीडीलाइट इंडस्ट्री की। पीडीलाइट इंडस्ट्री फेविकॉल बनाने वाली एक बेहतरीन बढ़िया लार्ज कैप कंपनी, जो अपने इंडस्ट्री में नंबर वन है। हालांकि FMCG में इसका रैंक 6 है, लेकिन जो अपने इंडस्ट्री होती है, जो अपने केमिकल इंडस्ट्री है, उसमें नंबर वन है। आप अपने आसपास देख लीजिए, ये आपको फर्नीचर बनाने वाले मोस्ट ऑफ फेविकॉल के ही यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। ये बढ़िया डिविडेंड भी पे करता है, 0.52% का एक डिविडेंड यील्ड है। लास्ट ईयर इसने 6 रुपीज़ का एक बढ़िया डिविडेंड पे किया था। चलिए देखते हैं क्या है चार्ट पे, क्या किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आपको पीडीलाइट इंडस्ट्री जो कि फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है, आपको कैसी लगी। अब हम पीडीलाइट इंडस्ट्री के चार्ट के बारे में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में एक बढ़िया सी गिरावट देखने को मिली। अगर ये गिरावट इसी लेवल के पास मिल जाए, यानी कि 1026 और 1000 के बीच में, तो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आप इधर बाय कर सकते हैं। अगर ये इधर से नहीं देखा तो ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर गया तो आप इसमें तेजी की संभावना रख सकते हैं। ये लेवल है 1100 यानी कि 1200 का लेवल। अगर ये 1200 का लेवल पार कर गया, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल दे दी, तो आप इसमें बुलिश की एक साइन मान सकते हैं। हालांकि मैं इसका बेस्ट जो बाइंग लेवल मानता हूँ ये है 1026 और 1000 के बीच में, क्योंकि ये इस लेवल पे एक अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल सकता है। चलिए इस तो चार्ट की बात हो गई। अगर आपको ऐसे वीडियो हर रोज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो हम हर रोज लेके आते हैं, अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको हमारी वीडियो मिलेगी।
चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।